हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सी बेबी पटैटो की सब्जी। देखिए कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग सी ये लग रही है और बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास भी उबले हुए आलू रखे हैं और आप कोई सब्जी बनाना चाह रहे हैं तो इस सब्जी को ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। इस सब्जी को मैंने बिना प्याज बिना लहसुन के बनाया है और बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सी बनके तैयार हुई थी, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को। मस्ट ट्राई रेसिपी है। अभी फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है तो आप इसको पूड़ी के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस टेम्पटिंग सी और टेस्टी सी बेबी पटैटो की रेसिपी को। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस टेस्टी और टेम्पटिंग से बेबी पटैटो की रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं बेबी पटैटो, जो छोटे वाले आलू आते हैं ना आजकल मार्केट में, बहुत बढ़िया छोटे वाले आलू आ रहे हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, एक ही सीटी लगवाई है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जब हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे तो ये टूट जाएंगे और फिर जो सब्जी है हमारी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगी। तो यहाँ पर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इस फोक की हेल्प से मैं इसके अंदर हल्के हल्के होल कर रही हूँ ताकि जो हमारे आलू हैं ये अंदर तक मसाला एब्जॉर्ब कर लें और सिक जाएं अंदर तक। तो यहाँ पर सारे जो आलू हैं मैंने फोक से इनमें होल कर लिया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो मैंने कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए रखा था, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गरम किया है और बस अपने आलू जो हैं हम इसके अंदर सारे ऐड कर देंगे। और बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी, आसान भी है बनानी, झटपट आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से बॉयल आलू हैं तो 5 मिनट में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो सारे आलू मैंने देखिए इसके अंदर डाल दिए और इसको अभी हमें नहीं चलाना है, बस इस तरीके से हल्का हल्का आप चलाएं ताकि जो आलू हैं इस पर अच्छी सी एक कोटिंग आ जाए। तो हमें इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आए और हल्की सी इस पर कोटिंग आ जाए, जिससे कि जो हमारे ये बेबी पटैटो हैं ये अगर हल्के से कच्चे रह गए होंगे तो वो भी कुक हो जाएं। क्योंकि हमने एक ही विसल इसमें दिलवाई थी, दो विसल नहीं दिलवाई थी। अगर दो विसल दिलवाते तो फिर क्या होता है, ये जो हमारे आलू हैं ये मैश हो जाते या फिर क्रैक हो जाते, तो वो फिर जो सब्जी हम बनाना चाह रहे हैं वो सब्जी बनके तैयार नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, देखिए इस पर कोटिंग आने लगी है। हमें इसको हल्का सा और सुनहरा करना है, तो यहाँ पे देखिए हल्का सा और इसका कलर चेंज हो गया है। तो बस इसी स्टेज पे हम अपने सारे आलू जो है निकाल लेंगे, क्योंकि ये अपनी स्टीम में भी थोड़े बहुत कुक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे आलू मैंने निकाल लिए थे और अब हम चलते हैं दोबारा से गैस की तरफ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल ऑलरेडी हमारे पास गर्म था ही, तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और साथ ही डाल दिया है इसके अंदर मैंने जीरा और 2 से 3 डाल दिए हैं सूखी लाल मिर्च। और हम इसे बेसिक मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे, फिर भी ये जो सब्जी है इतनी बढ़िया और टेस्टी लगती है कि अगर आप एक बार इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सारे मैंने देखिए इसके अंदर डाल दिया है जीरा और मिर्च, और यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट बना दिया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मसाला मैंने ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज नहीं करते। इसके साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट और इसके साथ साथ डालेंगे हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसके अलावा और कोई भी मसाला हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। बेसिक मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी ये सब्जी बनके तैयार होती है, जो बिगिनर्स हैं वो भी इसे इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और लाल मिर्च आप थोड़ी ही डालिएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है और लाल मिर्च भी डाली है सूखी हुई। तो अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही बढ़िया सा हमारी ग्रेवी का कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था तो वही पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और बस इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि जो हमारा पानी है ये अच्छे से कुक हो जाए। और जैसे ही इसके अंदर एक बॉयल आता है, हमने जो आलू तैयार करके रखे थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मसाला है अच्छे से भुन गया है, एक बॉयल भी इसके अंदर आ गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो ये हमारे आलू हैं इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कसूरी मेथी डालकर। और साथ ही डाल दिया है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, ये हमारी सब्जी में एक टैंगी फ्लेवर लाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस दोनों को मिक्स कर दिया है अच्छे से और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने आलू।
तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए अपने आलू और बस अच्छे से हम इसे ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। फ्लेम इस समय जो है आप मीडियम टू लो कर सकते हैं ताकि हमारे जो ये आलू हैं अच्छे से ग्रेवी के साथ लिपट जाएं और सारे मसालों को एब्जॉर्व कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है और 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे ताकि ये जो पानी है इसका बिल्कुल सूख जाए और ये ड्राई हो जाए और हमारे आलूओं पे इसकी एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया, और धनिया डालने के बाद बस अच्छे से कर देंगे मिक्स और बस रेडी हो गए हमारे बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग से बेबी पटेटो की सब्जी। जरूर ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को और इसको आप पूरी, नान, चपाती किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग से सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो बस रेडी हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सी बेबी पटेटो की सब्जी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोज़ को इंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।